नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम बोरिस जॉनसन आज वर्चुअल समिट के जरिए दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बढ़ते कोरोना को लेकर अमेरिकी सरकार ने आज से भारतीयों की यात्रा पर रोक लगा दी है, लेकिन बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को छूट मिलेगी। कोरोना और लॉकडाउन के कारण लगातार यात्रियों की कमी झेल रही रेलवे ने आज से पश्चिम बंगाल की 14 महत्वपूर्ण ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। कोरोना के कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में लॉकडाउन को 2 दिनों के लिए आगे बढ़ाया। इसके तहत अब 4 मई से 6 मई तक पाबंदियां लागू रहेगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार लेगी सीएम पद की शपथ। राज्यपाल से मुलाकात के बाद होगा फैसला। उत्तर प्रदेश के गांव में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार हुई अलर्ट। 97,000 गांव में आज से कोविड टेस्टिंग अभियान होगी शुरू। आज मध्य प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे बड़ा तोहफा। जन कल्याण सबल योजना के तहत 17,000 असंगठित श्रमिकों के परिवार के खाते में ट्रांसफर करेंगे 379 करोड़ रुपए। आज से हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है याहू आंसर। आपको बता दें कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर पब्लिक के अलग अलग टॉपिक के सवाल का लोग जवाब देते हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतरी सरकार। जनता का हाल जानने के लिए पटना की सड़कों पर घूमे सीएम नीतीश कुमार। आज होगी हाई लेवल मीटिंग, इस दौरान सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला। आईसीएसई सीए एग्जाम 2021 के लिए आज खुलेगी सीए फाइल और इंटर परीक्षा एप्लीकेशन विंडो। 6 मई तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बिना तथ्य के एलजी सीएम कोरोना राहत कोष की जांच की मांग करना पर आभारी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रत्युष प्रसन्ना पर लगाया 50,000 का जुर्माना। केरल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। केरल विधानसभा में पहली बार सीएम ससुर बैठेंगे दामाद के साथ। मुख्यमंत्री पी विजयन हैं और दामाद पीए मोहम्मद रियाज हैं, जो डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीट पीजी 2021 की परीक्षा 4 महीने के लिए हुई स्थगित। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी की अधिसूचना। बिहार में होगी 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद। कोरोना मरीजों की जरूरतों को देखते हुए नीतीश सरकार ने लिया फैसला। गाजियाबाद के ली क्रिस्ट हॉस्पिटल ने खाली बेड भरे हुए बताए तो प्रशासन ने लगाया 1,00,000 का जुर्माना। गूगल भूकंप सेवा का कर रहा है विस्तार। यह सेवा ग्रीस और न्यूजीलैंड के लिए भी जारी किया जाएगा। गूगल की भूकंप अलर्ट सेवा अभी सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बंगाल चुनाव नतीजों पर कहा कि बंगाल में 3 से 74 पहुंचना मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का कमाल है। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने याद दिलाया पुराना बयान। ममता बनर्जी ने प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया। कहा, इस कोरोना महामारी में पत्रकारों ने लगातार मेहनत से काम किया। पंजाब में युद्ध स्तर पर तैयारियां। भटिंडा मोहाली में बनेंगे बड़े अस्थायी अस्पताल, 25 साल तक करेंगे काम। उत्तराखंड में कोविड संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दान करेंगे 64 पुलिसकर्मी। झारखंड में कांग्रेस की केंद्र और राज्य सरकार से मांग, झारखंड में भी पत्रकारों को मिले कोरोना वॉरियर्स का दर्जा। नोएडा के सेक्टर 94 स्थित अंतिम निवास में शमशान के कर्मचारी निभा रहे हैं अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी। कहा, कोरोना संक्रमण के कारण परिजन नहीं निभा पा रहे हैं औपचारिक जिम्मेदारी। हरियाणा के हिसार में कोरोना काल में कालाबाजारी करने वालों की पैरवी नहीं करेंगे वकील। बार एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के राजनांद गाँव में मोहनी ज्वेलर्स पर सीबीआई की रेड। तस्करी में शामिल 32,00,000 कैश बरामद। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस की कार्रवाई के दौरान दिखा दोहरा रवैया। लॉकडाउन में घर जा रहे दुल्हा दुल्हन के कार की हवा पुलिस ने निकाली, जबकि बीजेपी के नेता की गाड़ी को जाने दिया। ये हालत सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि हर जगह हो रहे हैं। पुलिस की दोहरी नीति साफ दिख रही है।
जम्मू कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता सुकेश खजूरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन, दो सदस्य सहित जांच करने वाले महानिदेशक की जल्द नियुक्ति की जाए। गुजरात के राजकोट में शादी के मंडप से हवाला जा पहुंचा दूल्हा, कोरोना महामारी एक्ट के उल्लंघन में पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2-3 घंटे बाद जमानत के बाद दोनों की हुई फेरे। राजस्थान के कोटा में बंसल क्लासेज के संस्थापक बीके बंसल का हुआ निधन, कोटा को बनाया था कोचिंग सिटी। उड़ीसा में 5 मई सुबह 5 बजे से 19 मई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा, उड़ीसा के मुख्य सचिव एसी महापात्रा की ओर से जारी की गई आदेश। बंगाल में ममता के जीत के बाद महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार थर्ड फ्रंट को मजबूत बनाने में जुटे, लेकिन महाविकास अघाड़ी में ही उनका हो रहा है विरोध, तो बीजेपी ने कहा ज्यादा देर नहीं टिकेगा और पवित्र गठबंधन। यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट, जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी को ड्यूटी छोड़कर भागना पड़ा महंगा, निर्वाचन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना में दी तहरीर, मां की जीत में ऐसा मस्त हुए दिनेश सिंह की ड्यूटी ही भूल गए। हिमाचल प्रदेश से महेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, उपमंडलाधिकारी कांडा घाट डॉक्टर विकास सूद ने आज कांडा घाट विकास खंड की सभी ग्राम पंचायत के प्रधानों के साथ वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 से संबंधित समीक्षा बैठक की। बढ़ते कोरोना के बीच अब हिमाचल प्रदेश में प्रदूषित हवा का स्तर 197 तक पहुंच चुका है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, सोलन की हवा भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। यूपी में 16 जिला पंचायत सीटों पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को खासी बढ़त मिली है। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी 16 सीटों पर आगे चल रही थी, जहां भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ तो कांग्रेस की तनुश्री कुमारी भी हारी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी का दंश झेल रही जनता को आज से आवाजाही के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राज्य में निजी बस ऑपरेटर का एक गुट अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। तो ये थी सुबह की कुछ ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।